की गिरफ्तारी शुरू कर दी है। तो गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है, कहीं रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है तो कहीं कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस ने कारकुनान की गिरफ्तारी शुरू कर दी है। बात कर लेते हैं, नईम जंजुआ हमारे साथ हैं। नईम, कितनी तादाद में, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर गिरफ्तारी की गई है? जी बिल्कुल, शेख रशीद अहमद ने यहाँ पे वक्त दिया हुआ था 2 बजे का कि यहाँ से एक रैली जो है वो कमेटी चौक से होती हुई फैजाबाद निकलेगी और कारकुनों को यहाँ पे बुलाया हुआ था। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे कारकुन नहीं आए थे, चंद कारकुन यहाँ पे आए जिन्होंने नारेबाजी की, तो थोड़ी देर बाद पुलिस जो है वो यहाँ पे आ गई और उन्होंने यहाँ पे गिरफ्तारियां शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक उन्होंने यहाँ से अब तक जो है वो तकरीबन 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनको थाने में शिफ्ट किया। कुछ लोग जो है वो जब पुलिस यहाँ पे आई तो वो इनको देख के भाग गए। थोड़ी देर पहले शेख रशीद अहमद का एक बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि पुलिस ने यहाँ पे लाल हवेली पे कब्जा कर लिया और 60 के करीब जो है वो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और अब उनका जो है वो टाइम यहाँ पे चेंज हो जाएगा। हो सकता है वो 3 बजे लाल हवेली ना आए और उसके बाद कोई वो किसी और मकाम से वहां पर पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया आपका। और मियां वाली से भी कुछ अपडेट्स आ रही हैं। पीटीआई काफले को